मेरा नाम जुहैद मोहम्मद है, मेरा ताल्लुक़ ज़िला स्वाबी से है। स्वाबी में मेरा ऑफिस है साइबान के नाम से, और मैं गुलबर्ग टाउन के लिए मार्केटिंग करता हूँ। बहुत सारी टाउन है, लेकिन हमने गुलबर्ग टाउन का इंतखाब क्यों किया? ये वाहिद कॉलोनी है जो कि कंटोनमेंट बोर्ड कामरा कैंट से मंजूर शुदा है। दूसरी बात यह कि इसका जो लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कामरा सिटी के बिल्कुल नज़दीक है। जब हम स्वाबी से जाते हैं कामरा को, तो हम 40 मिनट में गुलबर्ग टाउन पहुंच जाते हैं। खान साहब जो इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, क्योंकि वो बहुत कमिटेड आदमी है। वो जो काम करते हैं पूरे वक़्त से पहले करते हैं। मसलन उसने गुलबर्ग टाउन के लिए 3 साल का वक़्त मांगा था, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी 16 महीने हुए हैं, और 16 महीनों में अगर आप गुलबर्ग टाउन आए और देखें, इसमें रोड मुकम्मल हुए हैं, इसमें जो पार्क्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हुए हैं। मेरा तो लोगों से गुजारिश है कि आप आए गुलबर्ग टाउन को देखें, पसंद कीजिए और अपने लिए ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलबर्ग टाउन कामरा का डायरेक्टर मार्केटिंग आपसे मुखातिब हूँ। गुलबर्ग टाउन कामरा एक मुनफरद रिहायशी प्रोजेक्ट है। इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं, जिनमें से चंद मुदरजा ज़ैल हैं या मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे इस वक्त जो ज़रूरत है हमारी, वो है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के लिए हमने इसमें आपको एक सिक्योरिटी वॉल, पूरे गुलबर्ग टाउन कामरा में सिक्योरिटी वॉल होगा सराउंडिंग में। उसके बाद हमने कुशादा सड़कों 70 फुट की सड़कें मुहैया की हैं, और जो साइड रोड्स हैं, स्ट्रीट रोड्स हैं, वो 30 फुट की रोड्स हैं। और एक और सबसे हमारे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट में जिस तेज़ी से जा रहे हैं, कोई भी और जो प्राइवेट स्कीम्स हैं उनसे हमने बहुत तेज़ी से इसको मुकम्मल किया है। इसमें आप फौरी रजिस्ट्री करा के तामीर कर सकते हैं। अगर किस्तों पे आप अगर घर लेते हैं, तो उस सूरत में आपको डाउन पेमेंट देने के बाद आपको गुलबर्ग टाउन की मैनेजमेंट अलाउ कर देती है कि आप अपना घर बनाना शुरू कर दें। बहरहाल ये जो हमारी मेजर ये हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, और इस पर हम लोग काफ़ी तेज़ी से बुकिंग करा रहे हैं। तो आप भी आएँ, देखें। इसमें जो सॉइल कंडीशंस ऐसी हैं कि ये इसमें एक नेचुरल स्लोप है जो जीटी रोड से आगे हमारे पास एक नाला है, जिसमें इसका सीवरेज का वो जा रहा है। ज़मीन हार्ड है, और कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें कोई किसी किस्म की कोई फिलिंग नहीं की गई, और इसमें आप बड़े ही मुतमईन हो कि आप अपनी बुनियादें रख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ घर बन भी गए हैं, उनमें भी हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसमें सॉइल आइडियल है फॉर दी कंस्ट्रक्शन, और हार्ड ज़मीन है जिसमें कोई किसी किस्म का कोई फिलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और स्लोप नेचुरल ऐसा है कि पानी इधर खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम रोड से तकरीबन 4 फुट हाइट, रोड हमसे जीटी रोड 4 फुट हाइट पे है, और उसको फिर नेचुरल स्लोप मिल रहा है, और जो नाले की तरफ जा रहा है जहाँ पर हमारी सीवरेज डिस्चार्ज हो रहा है। बिस्मिल्ल